जो भी LIC एजेंट दोस्त MDRT अचीव करना चाहते हैं, COT, TOT या 100 पॉलिसी या 200 पॉलिसी, यानी उनका जो भी लक्ष्य है LIC में हासिल करने का, उसे वो बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अनजान लोगों के मोबाइल नंबर ला सकते हैं, यानी आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बहुत ही आसानी से किस तरह से बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आपको उन नंबरों पे किस तरह से कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेना है मीटिंग के लिए, और जब आप मीटिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या बात करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातों का आप अच्छे से ध्यान रखते हैं व उसका उपयोग अपनी LIC फील्ड में करते हैं, तो आपको LIC में 100 पॉलिसी, 200 पॉलिसी या MDRT या COT या TOT अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, यानी आप बहुत ही आसानी से MDRT एजेंट तो बन ही जाएंगे, बस आपको इन बातों का उपयोग अपनी LIC की फील्ड में करना है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको आने वाले समय में हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आप अनजान लोगों के मोबाइल नंबर ला सकते हैं और अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बहुत ही आसानी से किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, और सुबह जल्दी उठने के बाद आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, और मॉर्निंग वॉक पे आपको किसी गार्डन वगैरह में नहीं जाना है, आपको जाना है उस मार्केट में जहां पर बहुत सारी दुकानें हों। अब आप देखेंगे कि जो दुकानें हैं, दुकानों के बाहर आपको कोई बोर्ड दिख जाएगा, या बाहर बोर्ड ना हुआ तो उनके ऊपर आपको लगा हुआ बोर्ड दिख जाएगा, यानी आपको दुकान के बाहर या तो दुकान के ऊपर एक बोर्ड दिख जाएगा, उस बोर्ड में आपको दुकान का नाम लिखा हुआ दिख जाएगा, दुकानदार का नाम भी लिखा हुआ हो सकता है, और मोबाइल नंबर तो आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा। आप एक डायरी और एक पेन लेके जाइएगा, और वहाँ पर जो दुकान का नाम लिखा है, दुकानदार का जो नाम लिखा है और जो मोबाइल नंबर लिखा है, ये सब आप अपनी डायरी पे लिख लीजिए, और इसी तरह से आप आगे बढ़िए, और जो भी आपके आसपास की दुकानें हैं इसी तरह से आप सबके नाम नंबर लिख के ले आइए। अब आप रोज कितने नाम और नंबर लिख के ला पाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुबह कितने घंटे के लिए जाते हैं, कितने घंटे आप मार्केट में घूमते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से रोज आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, और उसी जगह जाइए जहां पर बहुत सारी दुकानें हो, और सभी दुकानदारों के नाम व मोबाइल नंबर लिख के ले आइए, और इस तरह देखा जाए तो आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ते जाएगी, आपके पास लोगों के नाम और नंबर आते जाएंगे, और इन्हीं नाम और नंबरों पर आप कॉल कीजिए, इनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, और किस तरह से कॉल करके आपको क्या बातें करना है, किस तरह से अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, आइए अब इसको देख लेते हैं। भैया नमस्ते। भैया मेरा नाम अवधेश उपाध्याय, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। मैं अपने यूनिक इन्वेस्टमेंट आइडिया से लोगों की मदद करता हूँ, जिससे कि वो और उनका पूरा परिवार हमेशा आर्थिक रूप से सुरक्षित और संपन्न जीवन जी सके। भैया अभी मैं एक पेंशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे अभी आपका सिर्फ 2 मिनट का समय चाहिए। क्या भैया मैं अभी आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? थैंक यू भैया। मैं जैसा कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जब वो अपने काम से रिटायर हो जाते हैं यानी वो बूढ़े हो जाते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन दी जाती है, जिससे कि उनके आगे के जो भी खर्चे हैं उसे वो बहुत ही आसानी से मैनेज कर सके। उसी तरह से भैया जब आप आपके काम से रिटायर हो जाओगे, यानी आज आप जो भी काम करते हो, आज आप दुकान चलाते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, यानी आज आप जो भी करते हो, जब आप अपने इस काम से रिटायर हो जाओगे यानी आप बूढ़े हो जाओगे, तो भैया आपको भी तो खर्चे लगेंगे, आपको भी तो पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो भैया यदि उस समय आपको भी गवर्नमेंट पेंशन मिले तो कितना अच्छा रहेगा। तो भैया मैं आपकी जानकारी के लिए आपको यही बताना चाहता हूँ कि अब गवर्नमेंट पेंशन हर व्यक्ति को मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है। और भैया हर व्यक्ति को किस तरह से गवर्नमेंट पेंशन मिल सकती है, मैं आपको किस तरह से गवर्नमेंट पेंशन दिला सकता हूँ, इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, इसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। लेकिन भैया इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यदि आपको गवर्नमेंट पेंशन मिले तो क्या आप लेना चाहोगे? थैंक यू भैया। भैया आप किस उम्र से पेंशन लेना पसंद करोगे? 50 साल की उम्र से, 55 साल की उम्र से या 60 साल की उम्र से? थैंक यू भैया। भैया आपको हर महीने कितने रुपए की पेंशन मिले तो आप लेना चाहोगे? 5,000, 10,000, 20,000 या 25,000 या इससे भी ज्यादा? थैंक यू भैया। भैया पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में लेने के लिए कि किस तरह से गवर्नमेंट पेंशन मिलती है, मैं आपको किस तरह से गवर्नमेंट पेंशन दिलवा सकता हूँ, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए, इसके पूरे बेनिफिट को समझने के लिए आपको 15 मिनट का समय देना होगा। और ये 15 मिनट का समय आपको अभी नहीं देना है, मैं अपॉइंटमेंट ले करके आपके पास आऊंगा, उस समय मैं आपको डिटेल में इस गवर्नमेंट पेंशन के बारे में बताऊंगा। तो बताइए भैया मैं आपसे कल मिलूं या परसों? थैंक यू भैया। तो भैया कल किस समय आपसे मिलना सही रहेगा, सुबह 9 से 12 के बीच में या शाम को 4 से 8 के बीच में? थैंक यू भैया। तो भैया मैं सुबह 10 बजे का समय लिख लूं?
थैंक यू भैया। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति को कॉल करके उससे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब जब आप किसी से अपॉइंटमेंट लेंगे यानी आप उसको ये स्क्रिप्ट बोलेंगे तो हो सकता है आपको एक ऑब्जेक्शन सुनने को मिले कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो आपको जो इस ऑब्जेक्शन का जवाब देना वो ये देना है कि भैया इस टेक्नोलॉजी के जमाने में किसी का नंबर हासिल करना अब इतना भी मुश्किल नहीं है और मेरे से प्रोफेशनल एडवाइजर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जिसने अपने जीवन का ये मिशन बना लिया हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और उनके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित किया जाए। भैया थोड़ी सी कोशिश करने से कुछ नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको कोई ऑब्जेक्शन देता है कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला तो आप उसे इस तरह से जवाब दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि जब आप उस व्यक्ति से पूछोगे कि भैया यदि आपको गवर्नमेंट पेंशन मिले तो क्या आप लेना चाहोगे, तो दोस्तों वैसे तो ज्यादातर लोग आपको हाँ ही कहेंगे। फिर भी यदि आपको कोई व्यक्ति कह सकता है कि नहीं हम गवर्नमेंट पेंशन नहीं लेना चाहेंगे, हमें पेंशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको उस व्यक्ति से कहना है थैंक यू भैया, भैया कोई बात नहीं है, लेकिन भैया मैं आपको बताना चाहूंगा हो सकता है आज आपकी उम्र 25-30 साल की हो, आज आप एक अच्छी खासी इनकम कमा रहे हो जिससे कि आपके और आपकी फैमिली के जितने खर्चे हैं उसे आप बहुत ही आसानी से पूरे कर पा रहे होंगे, लेकिन भैया आज से कुछ सालों बाद यानी जब आपकी उम्र 50-60 साल की हो जाएगी तो भैया हो सकता है उस समय आपका शरीर इतना साथ ना दे, आप आज की जितनी इनकम ना कमा पाओ, लेकिन भैया खर्चे तो लगेंगे आपको और हो सकता है कि आपको जो खर्चे लगे वो आज से ज्यादा ही लगे, क्योंकि भैया रिटायरमेंट में यानी बुढ़ापे में हमारे जो मेडिकल के खर्चे होते हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो भैया यदि आपके पास बुढ़ापे में खर्चे होंगे और आपकी जो इनकम है या तो वो कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी तो आपको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कभी सोचा है आपने? तो भैया यदि आपकी उन समस्याओं का समाधान इस गवर्नमेंट पेंशन के जरिए हो जाए तो कितना अच्छा है। और भैया इस गवर्नमेंट पेंशन को देखने और समझने के लिए आपको कोई ज्यादा समय नहीं देना है, सिर्फ आपको 15 मिनट का ही समय देना है। अब दोस्तों जब आप इतना कह देंगे तो ज्यादातर जो लोग नेगेटिव थे, जो आपको मना कर रहे थे, वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, वो आपको हाँ कहेंगे। अब इसके बाद आपको वही बात करना है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों देखा जाए तो इस तरीके से आप अनजान लोगों को फोन कॉल लगा सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और जब अपॉइंटमेंट फिक्स करके जब आप उस व्यक्ति के पास मीटिंग के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको जो बात करना है वो इस तरीके की बात करना है कि सामने वाले को लगे कि हाँ ये जो व्यक्ति मेरे को LIC प्लान बता रहा है ये बिल्कुल गवर्नमेंट पेंशन जैसा ही है, कि जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब करने वाले को गवर्नमेंट पेंशन दी जाती है उसी तरह से मुझे ये LIC कंपनी पेंशन देगी। अब दोस्तों एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले को किस तरह से गवर्नमेंट पेंशन मिलती है, आप अपनी LIC प्लान के जरिए उसे किस तरह से गवर्नमेंट पेंशन दिला सकते हैं, ये सभी चीजें तो आपको आती ही होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया, जो भी सीखा है, वो आपको काफी पसंद आया होगा। तो यदि वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे एजेंट दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूंगा।